नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं BSNL 4G और 5G के बारे में बताऊंगा। जिस तरीके से आप इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल के ऊपर पढ़े होंगे, BSNL 5G लॉन्च कब हो सकते हैं। अभी के टाइम के अंदर BSNL भारत के मैक्सिमम जगह के अंदर अपने 4G टावर्स को इंस्टॉल यहाँ पर कर रहा है और काफ़ी जल्दी BSNL ऑफिशियल अपने 4G सर्विसेज को यहाँ पर चालू कर देंगे। तो 2024 साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर तो हमें BSNL 4G का ऑफिशियल लॉन्च काफ़ी सारे जगह के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली 5G सर्विसेज की बात करता हूँ तो वो BSNL के अंदर कब तक हमें देखने के लिए मिलेंगे, तो पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफी पसंद आने वाला है। देखिए, पर्टिकुलरली अगर मैं BSNL कंपनी की बात करता हूँ तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो अक्टूबर 2023 का रिपोर्ट को यहाँ पर पब्लिश किया गया, उस रिपोर्ट के मुताबिक BSNL ने 6,36,830 सब्सक्राइबर अपने से खोया है पूरे भारत के अंदर। और अभी के डेट के अंदर BSNL के जो टोटल सब्सक्राइबर बेस है वो है 92.86 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, जो 93 मिलियन था वो कम होकर 92.86 मिलियन हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है BSNL के टोटल सब्सक्राइबर बेस। लेकिन ये कम क्यों हो रहा है, हम सभी को पता है कि BSNL अभी तक भारत के अंदर अपने 4G और 5G सर्विसेज को लॉन्च नहीं किया। और एक बार अगर लॉन्च कर देते हैं तो BSNL के सब्सक्राइबर बेस डेफिनेटली काफ़ी ऊपर जाएंगे। काफ़ी सारे लोग जो है वो BSNL के ग्राहक बनने के लिए तैयार है। सिंपली BSNL अपने 4G और 5G सर्विसेज को जब भी लॉन्च कर देंगे, बहुत से लोग BSNL के साथ जुड़ जाएंगे। तो अभी के टाइम के अंदर BSNL का जो टोटल मार्केट शेयर है, अगर मैं भारत की बात करता हूँ, तो ऑलमोस्ट 9.5% के आसपास है। लेकिन BSNL का ये टारगेट है कि आने वाले 2 साल के अंदर BSNL ये जो मार्केट शेयर है ये 9% से बढ़ाकर 20% तक लेकर जाएंगे। मतलब अभी के टाइम के अंदर जो सब्सक्राइबर बेस है उससे डबल, यानी ऑलमोस्ट 200 मिलियन तक के सब्सक्राइबर बेस को BSNL लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। उसी के साथ जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स का अमाउंट है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, BSNL भारत के अंदर जो अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर 54% ऐसे लोग हैं जो एक्टिवली BSNL के सिम कार्ड को रिचार्ज करते हैं, जहां पर बाकी प्राइवेट कंपनी, अगर मैं एयरटेल की भी बात करता हूं, तो 99% ऐसे लोग हैं जो एयरटेल के सिम कार्ड को एक्टिवली यूज करते हैं। तो कहां BSNL के अंदर 54 और कहां एयरटेल का 99। तो BSNL कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम लोगों को एक्टिव सब्सक्राइबर पर कन्वर्ट किया जाए, और ये तभी पॉसिबल होंगे जब BSNL का जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उसे काफी बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। उसी के साथ BSNL का जो 4G रोल आउट है उसके अंदर BSNL का सबसे बड़ा जो टारगेट यहां पर लिया गया है, स्पीड तो डेफिनेटली बढ़ेंगे, 4G के ऊपर तो बढ़ेंगे ही, लेकिन जो नेटवर्क अप टाइम है उसे मैक्सिमम रखना है। क्योंकि हमेशा ये देखा गया है, अगर आप BSNL के सिम कार्ड को अभी के टाइम के अंदर यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे जगह जहां पर अगर इलेक्ट्रिसिटी चले जाते हैं तो आपके फोन के अंदर जो नेटवर्क है वो भी यहां पर चले जाते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम्स होता रहता है। तो यहां पर नेटवर्क अप टाइम तो 100% नहीं मिल रहा है, मतलब सब हर वक्त नेटवर्क यहाँ पर रहेंगे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के डेट के अंदर टेलीकॉम सर्विस जो है एक इमरजेंसी सर्विस माना जाता है। तो वैसे एक टाइम के अंदर BSNL कोशिश कर रहा है कि मेनली अपने जो मोबाइल टावर से उसका बैकअप सिस्टम को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाए, 4G और 5G लॉन्च करने के बाद कस्टमर्स को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स, उसी के साथ 100% नेटवर्क अप टाइम कस्टमर को मिल पाए, ये इंश्योर जो वो BSNL यहाँ पर कर रहा है। दोस्तों, इसके बाद BSNL कोशिश करे कि अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना। जिस तरीके से मैंने इससे पहले कहा कि आज के डेट के अंदर BSNL का जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट 9.5% के आसपास है और MTNL का 0.17%। अभी BSNL और MTNL तो एक ही एंटिटी की तरह काम करेंगे। आज के डेट के अंदर मार्केट के ऊपर लीड कर रहे रिलायंस जियो ऑलमोस्ट 39.3% मार्केट शेयर, और सेकंड पोजीशन पर आते हैं एयरटेल 32.85% मार्केट शेयर लेकर। लेकिन BSNL कोशिश करे कि वोडाफोन आइडिया कंपनी को पछाड़ कर BSNL का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 20% तक बढ़े, फिर जाकर BSNL कंपनी एक अच्छे कंपटीशन जो है, एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो प्राइवेट कंपनी को यहां पर दे सकते हैं। हालांकि वोडाफोन आईडिया की बात करते हो तो उनका जो मार्केट शेयर है वो 19.6% है। तो BSNL का ये कोशिश है कि वोडाफोन आईडिया का जो मार्केट शेयर है उसे भी यहाँ पर बीट कर दिया जाए। उसी के साथ BSNL के अगर मैं 5G प्लान्स की बात करता हूँ तो BSNL कंपनी की तरफ से बताया गया है 2024 साल के एंड के अंदर BSNL अपने 5G सर्विसेज को भारत के अंदर लॉन्च करेंगे। हालांकि इससे पहले प्रवीण कुमार पवार जो BSNL के CMD है उनकी तरफ से बताया गया था कि BSNL अपने 5G सर्विसेज को मेनली जून 2024 के अंदर लॉन्च कर देंगे। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक BSNL कंपनी अपने 5G सर्विसेज को मेनली 2024 के एंड से पहले यहां पर लॉन्च कर देंगे, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024 के अंदर BSNL अपने 5G का डेमोंस्ट्रेट यहां पर करेंगे और 2025 की शुरुआत से ही 5G टावर्स यहां पर लगना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको 5G सर्विस देखने के लिए मिल जाएंगे। आज के डेट के अंदर BSNL पंजाब के अंदर अपने 4G का ट्रायल्स यहां पर कर रहा है। भारत के बहुत सारे जगह हैं जहां पर BSNL अपने 4G का ट्रायल्स कर रहा है, तो ये ट्रायल्स का अमाउंट भी यहां पर बढ़ेंगे। उसी के साथ BSNL का टारगेट है कि काफी जल्दी 1,00,000 BTS मोबाइल टावर्स को यहां पर बैठा जाए जो 4G एनेबल्ड है। उसी के साथ अगर मैं 5G की बात करता हूं तो यहां पर 2
2000 BTS टावर्स के ऊपर फील्ड ट्रायल जो है वो 5G के ऊपर चलने वाले काफ़ी जल्दी। तो दोस्तों अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो डेफिनेटली एक काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है BSNL का, जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से BSNL को मिल रहा है, जिस तरीके का प्रोग्रेस वो यहाँ पर दिखा रहा है और कंप्लीटली इंडिजिनियस वे से BSNL अपने 4G और 5G सर्विस को लॉन्च कर रहे हैं, इसे देखते हुए तो डेफिनेटली आने वाले टाइम BSNL के लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल कर आता, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उस समय लगा तो ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।